Hey guys, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के फेवरेट शो एक्ट्रेस के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप जानते होंगे रश्मि देसाई को बहुत अच्छी तरीके से टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, अच्छी खासी पहचान उन्होंने अपनी दम पर टीवी इंडस्ट्री में बना रखी है। तो आपको बता दें, रश्मि देसाई बहुत ही जल्द कमबैक करने वाली है एक नए शो के ज़रिए। जी हाँ, जिसका आपको बता दें प्रोमो भी बहुत जल्द रिलीज़ हो सकता है। आपको बता दें, जैसा आप जानते होंगे रश्मि देसाई नागिन शो के सीरीज में लगातार देखी जा रही है। नागिन सीजन 4 में भी वो देखी गई थी निया शर्मा के अपोजिट, और वहीं बता दें आपको नागिन सीजन 6 में भी उनकी एंट्री कराई जाती है। लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और आपको बता दें उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। तो यही वजह है कि मेकर्स उन्हें लेकर एक बार फिर से हाजिर होने वाले हैं। कहीं बता दें, खबरें भी आ रही हैं कि उत्तरण शो का सीज़न 2 आ सकता है। सो कयास लगाए जा रहे हैं उत्तरण शो के सीज़न 2 में हो सकता है रश्मि देसाई वापसी कर रही हों, या फिर उनका कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है। जो भी होगा देखना वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा। जैसा कि आप जानते होंगे उनकी जोड़ी लगभग सभी एक्ट्रेस के साथ नज़र आ चुकी है, और सभी के साथ उनकी जोड़ी खूबसूरती से पर्दे पर नज़र आई है। सो ऐसे में कौन होगा एक्टर जो कि रश्मि देसाई के अपोजिट नज़र आएगा इस बार? अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी एक्साइटमेंट ज़रूर बताइएगा, किसे देखना चाहते हैं रश्मि देसाई के अपोजिट। और आपको बता दें, जैसे आप जानते होंगे रश्मि देसाई लास्ट शो नागिन सीजन 6 में भी देखी गई हैं, जहां पर वो लाल नागिन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। इसके अलावा अगर बात करें तो वेब सीरीज़ की ओर कर चुकी हैं, ज़्यादातर ध्यान देती रहती हैं अपने OTT प्लेटफॉर्म के न्यू प्रोजेक्ट्स को लेकर। और वहीं बता दें, म्यूज़िक एल्बम के ज़रिए भी फैंस उन्हें देखना काफ़ी पसंद करते हैं। सो देखने वाली बात होगी कि उनका न्यू प्रोजेक्ट आखिर किस ज़रिए से आपको देखने को मिलेगा। क्या वो कोई डेली शो होने वाला है, या फिर कोई म्यूज़िक एल्बम होगा, या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर होगा। जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। एक्साइटेड कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।